everyone. Myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Student, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में जो एक टॉपिक है जिसका नेम है इम्परफेक्शन इन सॉलिड. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? इम्परफेक्शन इन सॉलिड. इम्परफेक्शन का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया भी था कि कोई भी जो सॉलिड है, क्लियर, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज द एटम आयन या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक ऑर्डर में होते हैं, उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है. क्लियर? अब जो इम्परफेक्शन है, इम्परफेक्शन का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट इज द एटम या आयन या जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहीं ना कहीं से उनका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब होता है और उस अरेंजमेंट के डिस्टर्बेंस की वजह से जो सॉलिड में एक इंसिडेंट हम कवर करते हैं या कंसिडर करते हैं और उसी इंसिडेंट को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड. क्लियर? तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसमें कहीं ना कहीं से जो कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं, वो एराइज हो रही हैं और उसी से एक ये टॉपिक क्रिएट हो गया जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड. अब यहाँ पर जो इम्परफेक्शन इन जो सॉलिड है, इसमें आप देख रहे हो इसको दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट और एक को हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है. पॉइंट डिफेक्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई क्रिस्टल है, सपोज, तो क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल के अंदर की जो चीजें हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. और इस क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे लैटिस पॉइंट होते हैं. इस क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, या उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं. तो अगर कहीं पर भी, या इफ एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड में जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस में जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स में अगर कहीं डेविएशन है या पॉइंट्स जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से कहीं और जाकर अलाइन हो चुके हैं या मिसप्लेस हो चुके हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. यानी क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होता है, वो पॉइंट किसी जगह से मिसप्लेस हो गया हो या वहां से वो डिसअपीयर हो गया हो या अपना जगह वो कहीं बदल दिया हो, तो डेविएशन जो पॉइंट्स का है, इसी को हम नाम देते हैं पॉइंट डिफेक्ट. अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट में ये बताया गया है कि मान लीजिए बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज हैं. क्लियर है ना? तो एक लैटिस पॉइंट अगर कहीं मिसप्लेस हो रहा है या डेविएट हो रहा है अपने पोजीशन को छोड़कर, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं. और लाइन डिफेक्ट क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल लैटिस है और इसमें एक सीरीज में ये सब पॉइंट्स रखे हैं, तो ये पॉइंट्स का अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब होता है. एक लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अगर देखें, तो उनमें जो अरेंजमेंट है वही डिस्टर्ब हो जाए, तो उस तरह के अरेंजमेंट को या उस तरह के जो डिफेक्ट हैं उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे. क्लियर ना? तो इस तरह से पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट को आपको कंसीडर करना है. अगेन वी टॉक अबाउट फॉर द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट व्हिच आर फॉल इन द पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट में आपको दो तरह के डिफेक्ट कंसीडर करने हैं. एक को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आपको ये समझना जरूरी है. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई कंपाउंड का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे एज एग्जांपल हम
यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा है C2H6, ये इथेन है। C2H6 जो इथेन का जो फार्मूला हमने लिखा है, इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, यानी कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। दोनों जो एटम है वो फिक्स्ड नंबर के हैं, ये चेंज नहीं हो सकता है। इथेन में कहीं भी आप इथेन का फार्मूला लिखोगे तो वो C2H4 नहीं होगा, वो C2H5 नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, C2H6 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है, या कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, क्लियर, या स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं। सिमिलरली स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट में ये ऐसे सॉलिड में होता है जिसमें जो कैटायन और एनायन, ये कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, क्लियर है ना। तो जब कैटायन और एनायन का रेशियो इक्वल होगा तो ऐसे ही डिफेक्ट को हम नाम देंगे क्या, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे NaCl, NaCl में कैटायन Na+ होगा और एनायन Cl- होगा, यानी एक कैटायन और एक एनायन दोनों का रेशियो 1:1 का है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगेन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट है इसको अलग अलग पार्ट्स में कंसीडर किया गया है, जैसे वैलेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट में होता क्या है, जो पहले तो किस तरह का जो डिफेक्ट है वो नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है या उसमें कंसिडर किया गया है, और इसमें होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एक जो पॉइंट्स होता है वो अपने जो प्लेस है वो प्लेस को छोड़कर निकल जाता है, यानी वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर एक वैकेंट स्पेस बन जाता है, और ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। और जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो सिस्टम का जो डेंसिटी होगा, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मास कम हो जाएगा और मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है, ये इस तरह के डिफेक्ट में जो कैटायन जो पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल्स अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर किसी अदर पार्टिकल्स के पास जाकर इंटरस्टीशियल साइड पर जाकर वो अरेंज हो जाता है, तो ऐसे ही डिफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में जो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि मास यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। स्पेशली क्या है, वैलेंसी डिफेक्ट हो चाहे इंटरस्टीशियल डिफेक्ट हो, ये दोनों जो हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड में कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम अगला जो है वो शॉटकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें, तो शॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक सॉलिड में देखा गया है, और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो भी आयनिक सॉलिड में देखा गया है। शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, ये सबसे पहले तो ये आयनिक सॉलिड में होता है, इसमें आयनिक सॉलिड में आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैटायन और एनायन होते हैं, तो कैटायन और एनायन जब हम अरेंज करते हैं तो अरेंज करने पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी एंड एनायनिक वैकेंसी, यानी जितने नंबर ऑफ कैटायन मिस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायन अपने क्रिस्टल लैटिस से मिस होंगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या, शॉटकी डिफेक्ट। लेना यानी नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन, इसमें दोनों क्या होंगे, अपने पोजीशन से मतलब सेम नंबर के कैटायन मिस होंगे और सेम नंबर के एनायन अपने पोजीशन को छोड़कर वहां से मिसप्लेस रहेंगे या मिस रहेंगे, वैकेंसी वहां क्रिएट होगी। तो शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, ये इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये ऐसे सॉलिड में होता है जिसमें जो हाई आयनिक कैरेक्टर देखा गया हो या होता हो, जैसे NaCl, KCl, AgCl एक्सेट्रा, इन सब में हम जो देखते हैं ये सब क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है,
इसमें जो ये भी एनिक सॉलिड में ही होता है और एनिक सॉलिड में ये जो होता है इसमें हम देखते क्या है कि कैटायन और आयन एनायन जब अरेंज होते हैं तो एक जो कैटायन होता है वो अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर अरेंज हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं फ्रैक्टल डिफेक्ट। और इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये ऐसे आयनिक कंपाउंड्स में होता है जिनमें जो आयनिक कैरेक्टर का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज करती है कभी इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर कैटायन अरेंज होते हैं। इसमें जो एग्जांपल है जो सिल्वर के हैलाइड्स हैं लाइक AgBr, AgCl, ये सब जो है ये फ्रैक्टल डिफेक्ट को शो करते हैं। क्लियर। अगली बात हम करते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट में होता क्या है, जब भी किसी क्रिस्टल लैटिस को हम कंसिडर करते हो तो उसमें जो कैटायंस होता है अगर हम अलग से कोई ऐसा इंप्योरिटी के फॉर्म में अगर कोई दूसरा आयन हम उसमें मिक्सअप कर देते हैं तो वहाँ पर कैटायन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू कैटायन के थ्रू। जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल लैटिस है तो NaCl के क्रिस्टल लैटिस में अगर हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, ये स्ट्रॉन्शियम आयन जो है वो सोडियम आयन को उसके क्रिस्टल लैटिस से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और इस तरह के डिफेक्ट को हम नाम देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट में या सबसे पहले नॉन स्टॉइकोमेट्रिक होता क्या है, इसमें जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो इक्वल नहीं होता है। क्लियर ना, जैसे यहाँ पर सेम होता था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ कैटायन एनायन की जो संख्या है वो वेरिएट हो सकती है। अब इसमें दो पार्ट हम देखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक निकलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो पार्ट है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक टेंडेंसी या उसको हम एफ सेंटर भी बोलते हैं और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस मेटल आयन। अब यहाँ पर नाम में ही दिया है कि एक्सेस, यहाँ मेटल जो होंगे या मेटल आयन जो होंगे वो एक्सेस अमाउंट में होंगे और एनायनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी में ये बताया गया है कि किसी क्रिस्टल लैटिस में जो एनायंस होते हैं वो अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं रिमूव यानी कहीं दूसरे जगह पर चले जाते हैं। क्लियर है ना। और वहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए कोई एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर अरेंज हो जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस तरह के सेंटर को नाम दिया जाता है या एफ सेंटर। क्लियर ना। या फॉर बेंजर्स सेंटर भी इसको बोलते हैं। और जैसे NaCl जो भी कलर, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि NaCl जो है उसके क्रिस्टल एलो कलर के क्यों होते हैं, वैसे तो वाइट होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ क्रिस्टल एलो कलर के भी देखे गए, तो ये होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी या मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और सिंपली एफ सेंटर की वजह से। क्लियर ना। दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस मेटल आयन। इसमें होगा क्या है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो कंपाउंड होता है इसमें ये व्हाइट कलर का इसलिए होता है लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ये येलो कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो जिंक आयन है वो अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर अरेंज हो जाता है और उसी के साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चला जाता है वहाँ इंटरस्टिशियल साइड पर कवर हो जाता है। और ऐसे में इस तरह के जो डिफेक्ट्स हम कंसिडर करते हैं उसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट द एक्सेस मेटल आयन। स्पेशल केस होता है इसका जिंक ऑक्साइड। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये ऐसे सॉलिड में देखा गया है जिसमें कुछ ऐसे कैटायंस होते हैं जो किसी हैवी कैटायंस के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। पहले होता क्या है कि जो लाइटर कैटायंस होते हैं जैसे FeO की बात करें तो FeO में जो आयरन है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो लाइटर कैटायन है। क्लियर है ना। और उसके पूरे लैटिस में क्या होता है जो हायर कैटायन है Fe3+ वो आकर उसको रिप्लेस कर देता है तो ऐसे में वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है।
और उसी वैकेंसी को हम नाम देते हैं क्या, मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो कंटेंट है परफेक्शन इन सॉलिड कंसीडर करना है, इसको आप ध्यान से एक बार इसका नोट्स तैयार कर लेंगे और यहाँ से इसको समझ लेंगे। क्लियर।